दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति के ऊपर दिल्ली के लोग झाड़ू चलाने के लिए तैयार है, झाड़ू चलाने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो बताओ। और इसलिए तैयार है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल के साथ इसलिए खड़ी है दिल्ली कि आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जनता नहीं माना बल्कि अपना परिवार मान के आपका साथ दिया है, आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवार की तरह आपका ख्याल रखा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, देश की एक सरकार मुझे याद करके बता दो, हिंदुस्तान में पहली सरकार है जिस सरकार ने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार के बजट का 26% आपके बच्चों की शिक्षा के लिए दिया। देश की कोई सरकार नहीं है जो शिक्षा पे इतना बजट खर्च कर दे। जब हम सत्ता में आए थे, केजरीवाल जी की सरकार बनी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी सरकारी स्कूलों में दौरा करने जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे स्कूलों में, मकड़ी के जाले। आज उन मकड़ी के जालों की जगह बच्चों के पढ़ने के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए हैं अरविंद केजरीवाल ने आपके बच्चों के। सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास हॉकी का ग्राउंड, एथलीट का ग्राउंड, स्विमिंग पूल का निर्माण, और इतना ही नहीं सरकारी स्कूलों के टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा और नतीजा यह हुआ। आपको गर्व करना चाहिए, हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिस सरकार के राज में, केजरीवाल के राज में हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर दिल्ली के सरकारी स्कूलों। तो सरकार के बजट का 12% स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं फ्री मिलती है, इलाज फ्री होता है, ऑपरेशन फ्री होता है। अभी केजरीवाल जी ने फरिश्ते योजना शुरू की, फरिश्ते योजना में लोगों से कहा भाई क्या कर रहे हैं भाई, आप यहां से साइड में कर दिया। फरिश्ते योजना में लोगों से कहा एक्सीडेंट का अगर कोई पीड़ित मिल जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसको उठा लेना, उसकी मदद करना, उसको बगल के किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा देना, सरकारी अस्पताल में पहुंचा देना, अच्छे से अच्छे अस्पताल में पहुंचा देना, पहुंचाने का भी 2000 रुपए सरकार से ले लेना और उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्चा होगा तो दिल्ली की सरकार दे। अरविंद केजरीवाल, संजय भैया। अभी यही बगल में लक्ष्मी नगर गया था मैं, लक्ष्मी नगर की सभा में एक नौजवान मेरी सभा में खड़ा होकर रोने लगा, उसका वीडियो है ट्विटर पे देख लेना, फेसबुक पे है। उस नौजवान ने कहा मेरा नाम सूरज है, 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे इलाज में 36 लाख रुपए खर्चा हुआ और वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने दिया, दिल्ली की सरकार ने दिया। है कोई हिंदुस्तान में ऐसी सरकार तो जरा हमें बता देना। आपके मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून आते हैं, आपके मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा अमेरिका में होती है, फ्रांस में होती है, जर्मनी में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। ये बगल में उत्तर प्रदेश है, चले जाना, हरियाणा भी बगल में है, चले जाना, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का राज है, भाजपा वालों का राज है। दोनों राज्यों में जाकर बिजली का दाम पता कर लेना, बिजली का दाम यूपी के अंदर आसमान पे, हरियाणा के अंदर आसमान पे, लेकिन दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम दिल्ली वालों को किया। बिजली फ्री आ रही है कि नहीं आ रही है 200 यूनिट का? कितने लोगों का जीरो बिजली का बिल आया, हाथ उठाकर बता दो।
दिल्ली में लोग नारे लगा रहे हैं बिजली का बिल हो गया जीरो और केजरीवाल हमारा बिजली का बिल जीरो केजरीवाल हमारा हीरो। पानी फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनकर आपके बेटे आपके भाई ने जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा, श्रीडी साई वाले की तीर्थ यात्रा, अजमेर शरीफ की तीर्थ यात्रा, अमृतसर साहिब की तीर्थ यात्रा, वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की मान्यताओं के हिसाब से उनके लिए तीर्थ यात्रा योजना केजरीवाल जी लेके आए आपके बेटे आपके भाई बनकर। दिल्ली की एक सरकार है जिसने जवान की शहादत पर, हम राजनीति तो नहीं करते, जवान की शहादत पर हम बड़े बड़े भाषण तो नहीं देते, जवान की शहादत पर हम वोट तो नहीं मांगते, लेकिन देश की सरकार की एक पहली सरकार केजरीवाल जी की सरकार है जिसने जवान की शहादत पर उनके परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। किसानों के लिए फसल बर्बादी का मुआवजा हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे ज्यादा 50,000 रूपये हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया। मैं आपको काम गिनाने लगूंगा सरकार के तो गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। एक मोटी किताब केजरीवाल के कामों के बारे में लिखी जा सकती है, लेकिन अब वो किताब आपको अपने हाथ से लिखना है। 8 फरवरी को झाड़ू पर बटन दबाकर 2015 का रिकॉर्ड तोड़ना है। अपने भाई को, अपने बेटे को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की विधानसभा में फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से, बड़ी बहुमत से जिताकर भाजपा और कांग्रेस वालों को जवाब दे देना कि हम सब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल, क्योंकि अगर गलती हो गई, अगर चूक हो गई तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, अगर गलती से भाजपा वाले आ गए तो ये 200 यूनिट बिजली फ्री मिल पाएगी क्या? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। पानी फ्री मिल पाएगा क्या? नहीं। बस की यात्रा फ्री मिल पाएगी क्या? नहीं। बच्चों की शिक्षा अच्छी रहेगी क्या? नहीं। ये मोहल्ला क्लिनिक रहेगा क्या? नहीं। ये अस्पताल में इलाज और ऑपरेशन फ्री होगा क्या? नहीं। ये फरिश्ते योजना रहेगी क्या? नहीं रहे। पहले आपके बच्चों का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए तो बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ता था। केजरीवाल जी की सरकार ने कहा 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन बगैर ब्याज के आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए देंगे। ये है सरकार पार्टी, ये है दिल्ली की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। इसके साथियों और दोस्तों, अभी चुनाव का मौका आया है, आपके बीच में कोई जाति का धर्म डमरू बजाने आएगा, कोई धर्म का डमरू बजाने आएगा। ये भाजपा ही जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने आपको धोखा देने का काम किया, कह रहे थे 15 लाख हर खाते में देंगे, धोखा दिया, कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, धोखा दिया, कह रहे थे डॉलर का दाम कम हो जाएगा, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, 200 रुपए किलो की प्याज हो गई, 120 रुपए किलो टमाटर हो गया, दूध भी 4 रुपए लीटर महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, देश की जीडीपी भी नीचे गिर गई। हर तरीके से देश को बर्बादी की राह पर पहुंचाने वाले भाजपाइयों को अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना। हर तरीके से इस देश को बर्बाद करने का काम किया भाजपाइयों ने। और मैं अभी एक पोस्टर देख रहा था, कांग्रेसी कह रहे हैं हम 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे बेईमानो, 15 साल तुम यहां रहे, हर साल तुम बिजली का दाम बढ़ाते रहे, अब दिल्ली में केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो कह रहे हो बिजली फ्री कर देंगे। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे वादे में दम है
तुम्हारी सरकार है, राजस्थान में 600 यूनिट फ्री करके दिखाओ, मध्य प्रदेश में फ्री करके दिखाओ, छत्तीसगढ़ में फ्री करके दिखाओ, पंजाब में फ्री करके दिखाओ। यहाँ तो बिजली के दाम बढ़ाते हो और दिल्ली में दो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हो। ये नकली वादे की सरकारें अब नहीं चलेंगी, अब असली काम करने वाले केजरीवाल की सरकार चलेगी। आम आदमी पार्टी 15 साल तुम्हारी सरकार रही कांग्रेस की, एक पैसे बिजली का दाम कम नहीं किया। याद है केजरीवाल जी को 15 दिन अनशन करना पड़ा था, याद है ना? बिजली के दाम कम करवाने के लिए अनशन करना पड़ा था ना, तब किसकी रहे सरकार थी? कांग्रेसियों की सरकार थी। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों पार्टियां, इनसे होशियार रहना। आज देखो क्या हालत कर दी। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में एक बुजुर्ग महिला प्रोफेसर को जेएनयू में मार मार के उसका सर फोड़ दिया, एक जेएनयू की अध्यक्ष का मार मार के सर फोड़ दिया। शेम। कितने प्रोफेसर को मारा, कितने लड़कों को मारा, और तो और लड़कियों के हॉस्टल में घुस के उनके साथ मारपीट की, शेम, तोड़ फोड़ दिया। शेम। क्या ऐसे लोग चाहते थे? ऐसे लोग चाहते हो क्या? ऐसे गुंडागर्दी कराने वाले लोग चाहते हो? नफरत फैलाने वाले लोग चाहते हो? भाई से भाई को लड़ाने वाले लोग चाहते हो? नहीं, हम मिलकर रहना चाहते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई, और हम सारे भाई मिलकर हिंदुस्तान को और दिल्ली को आगे ले जाने का काम करेंगे केजरीवाल का साथ। हमें नफरत की राजनीति नहीं करनी है। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है साथियों। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रस्खान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। यह है हमारा हिंदुस्तान, इसको हम बिगड़ने और बर्बाद होने नहीं देंगे, इसको हम बिगड़ने और बर्बाद नहीं होने देंगे। आज दिल्ली के अंदर नकली मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अभी चुनाव आया है तो भाजपा ही कह रहे हैं सीएए पे बात करो, एनआरसी पे बात करो, एनपीआर पे बात करो, पीपी पे बात करो, मिनी पे बात करो, कीकी पे अरे हमारे नोटी पे बात करो ना, हमारे व्यापार पे बात करो, हमारे बच्चों की पढ़ाई पे क्यों बात नहीं करते, हमारे अस्पताल पे बात क्यों नहीं करते, हमारी ड्यूटी सड़कों पर बात क्यों नहीं करते, हमारी जिंदगी के बदलाव पर बात करो। और वो बदलाव अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसलिए लोग केजरीवाल के साथ देंगे, ये सीए पीए मीनी पीपी करने वालों का साथ नहीं देंगे। हर चुनाव में नई नौटंकी, नया ड्रामा, सीए एनआरसी। अरे भाई सीए एनआरसी से आपको रोजगार मिल जाएगा क्या? जोर से बोलिए। शिक्षा मिल जाएगी क्या? बिजली पानी मिल जाएगा क्या? सस्ता हो जाएगा क्या? लेकिन बात करनी है नकली मुद्दों पर, क्योंकि काम कुछ करना नहीं है, काम कुछ करना नहीं है। हराम का बैठ के खाली खाना है और हराम का आपका वोट लेना है, यही भाजपाइयों और कांग्रेसियों का काम है। इसलिए आपको और हमको मिलकर तय करना है कि बेईमान और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है, दिल्ली में फिर से एक बार झाड़ू चलाना है, केजरीवाल को लाना है, झाड़ू चलाना है, केजरीवाल को लाना है। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, विनती करने के लिए आया हूं, और गांधीनगर ये वो विधानसभा है जहां आज पहली सभा तब हो रही है जब 8 फरवरी की तारीख का ऐलान हो चुका है। आज इस सभा से हम सबको एक स्वर में आवाज लगाना है कि पूरी दिल्ली केजरीवाल के साथ खड़ी है, और हमने इसीलिए नारा दिया है 5 साल में काम किया तो हमने नारा दिया अच्छे बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल।
अच्छे बीते पांच साल, अच्छे बीते पांच साल, अच्छे बीते पांच साल, अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो आपकी हमारी आवाज है, अरविंद केजरीवाल जो हिंदुस्तान में बदलाव की राजनीति के एक बड़े चेहरा है, आंदोलन से निकली हुई इस पार्टी का बड़ा चेहरा है, आज उस अपने भाई को अपने बेटे को जिताने का काम आपको करना है, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में चंद परिवारों का कब्जा हो चुका है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। चले जाइए काश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, काली मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और हिंदुस्तान के अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, विधवा राजीव, विधवा संजय, बाहू सोनिया, विधवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी, पार्टी का आग्रह। पार्टी है क्या? पार्टी है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, इन्होंने आपकी राजनीति पे कब्जा कर लिया है। आपसे कहते हैं पंजे को वोट दो, कमल को वोट दो, तगड़ी को वोट दो, साइकिल को वोट दो, नहीं, ये आपका सारा का सारा वोट चंद परिवारों को जा रहा है। हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके संविधान में लिखा है एक परिवार से दो आदमी को सांसद, विधायक, मंत्री का टिकट नहीं दिया जाएगा। देश की कोई दूसरी पार्टी आवाज़ी पार्टी, आवाज़ी पार्टी, संजय भैया, संजय भैया, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी, ये आपकी अपनी पार्टी, गरीबों की पार्टी। आज पूछते हैं हमसे, बताओ भाई ये 200 यूनिट जो चल रहा है ये रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ भाई ये शिक्षा में जो छूट है ये रहेगी कि नहीं? अस्पतालों की सुविधा रहेगी कि नहीं? बस की महिलाओं की फ्री यात्रा रहेगी कि नहीं? अरे जवाब दे दिया केजरीवाल जी ने, ये सारी की सारी सुविधाएं, 200 यूनिट बिजली फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, पानी फ्री, अस्पताल फ्री, दवा फ्री, शिक्षा फ्री, ये सारी योजना अगले 5 साल भी आपके लिए करेंगे। बोल दिया केजरीवाल जी, बंद करा दिया, मुंह पे ताले लगवा दिए भाजपाइयों के और कांग्रेसियों के। हमसे अगर टक्कर लेना है तो खुली चुनौती देते हैं इन दोनों पार्टियों को, काम के नाम पर टक्कर लो, किसी के चक्कर में मत फंसना। जो टक्कर लेने वाले आए हैं ये कहीं दूर दूर तक टक्कर में नहीं है, इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में?
और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। कोई नहीं है चक्कर में। पिछली बार कितनी सीट आई थी, कांग्रेस भाजपाइयों की कितनी आई थी। भाजपाइयों के बारे में जब मैं पंजाब में गया तो मुझसे लोगों ने कहा भैया आप क्या स्कूटर पार्टी का क्या हाल है। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा स्कूटर पार्टी क्या है। बोले अरे दिल्ली वालों ने भाजपाइयों को स्कूटर पार्टी बना दिया, तीन लोग स्कूटर पे बैठ के कहीं भी चले। मैंने कहा चलान हो जाएगा, इसलिए आपकी तीन मत जिताना, जितने आए थे उनको भी वापस भेज देना, कि अगर चलान तुम्हारा नहीं कटवाना चाहता जाओ तीन लोग घर वक्त बैठे। और कांग्रेसियों का कितना आया, अंडा कितना आया, बड़ा वाला, बड़ा वाला अंडा आया। सबसे छोटी कहानी दिल्ली में माताएं बहनें अपने बच्चों को सुनाती हैं, क्या कहानी है वो, एक थी कांग्रेस कहानी खत्म। ये हाल है कांग्रेसियों का, इसलिए इन दोनों पार्टियों के चक्कर में मत पड़ना। जैसे पिछली बार केजरीवाल जी का साथ दिया, झाड़ू वालों का साथ दिया, इस बार भी केजरीवाल और झाड़ू वालों के साथ मिलकर दिल्ली में बदलाव लाना है, दिल्ली में परिवर्तन लाना है और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को दोबारा स्थापित करके एक बड़ी राजनीति को देश के अंदर जन्म देना है। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धोके ना जो धोके ना गाना रहे। अच्छा आज भाई तारीख का ऐलान हो गया है तो गाना ये बनता भी है। हाँ बनता है, सब लोग मिलकर गाएंगे साथ में, एक माइक इनको भी दे दो, इस तरफ आ जाओ, आप नीचे बना लो, फैन इधर कम हो गया, मैं तो नीचे देख रहा हूँ। जुड़े तो है थोड़ा, वो उनको पता है। ये रिजवान भाई हमारे सुल्तानपुर के हैं, बचपन से हमसे जुड़े, कह रहे हैं आज ऐलान कर दो कि हम आपसे जुड़े हैं। दो चार साल बजा दीजिए, नवी फोटो बना सीलिंग के बारे में अकेले मैं बोला था पार्लियामेंट में, सुना है कि नहीं सुना है, सुना ना, गांधीनगर का नाम लिया था कि नहीं लिया था। भाजपाइयों से पूछ लेना एक बार भी आपके लिए बोला हो तो, मैं बोला हूँ आपके लिए, बोला आपके लिए कि नहीं बोला। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। झुके न रो, झुके न रो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिको मालिको मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ते
इंसान से इंसान का जाति के धर्म के भाषा और वेश के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो हम वो इंकलाब है, धर्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब भाव है। रुके न जो भारत माता की इंकलाब।